हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसे हैं। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। रीडिंग जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आएगी। तो अपनी रीडिंग देखने से पहले आपको यहाँ पर दिखाए गए तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उस पर्सन के बारे में आप एक बार सोच लें और फिर किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ये वाली ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ये वाली कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है देन यू कैन सेलेक्ट दिस कार्ड, दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर वन। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड ऑप्शन नंबर टू के लिए है एंड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड ऑप्शन नंबर थ्री के लिए है। सो ये तीन कार्ड्स है, तीन नंबर्स है, 1, 2 एंड 3। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगी। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आराम से देख लें कि कौन सी ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, आई होप सो आपने अभी तक अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आराम से कर लें और फिर हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में। ऑप्शन नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, नंबर वन को सिलेक्ट किया है, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आपने सोच के इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है वो पर्सन आपके बारे में कैसी सोच रखते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आप किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अभी तक जितनी भी रिक्वेस्ट की है आपने उसको मैंने नोट कर लिया एंड डेफिनेटली एक एक करके सारे रीडिंग्स चैनल पे आएगी। यहां पे जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ क्वाइंस का कार्ड है एंड टेम्परेंस का कार्ड है। आप लोग लिब्रा हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो कि वो पर्सन आपके बारे में कैसा सोचते हैं, तो यहाँ पर मुझे जस्टिस का कार्ड मिला है पहला। ठीक है, तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा जस्टिस वाले मानते हैं, लाइक आप लोगों के साथ जस्टिस करते हो, न्याय करते हो, किसी के साथ आप गलत नहीं करते हो, ना ही किसी के साथ गलत करने की आप सोचते हो। तो ये पर्सन सोचते हैं कि आप काफ़ी फेयर हो, सच बोलने वाले हो और किसी के साथ गलत नहीं करते हो, स्पेशली मनी मैटर्स में। ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो या कलीग के बारे में पूछ रहे हो देन ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा फेयर मानता है मनी मैटर्स में, यानी कि आप पे भरोसा किया जा सकता है। आपसे अगर किसी तरह के पैसों की लेन देन है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। ओके, एंड डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में आपके लिए एक ऐसी फीलिंग है दैट आप कभी किसी को चीट नहीं कर सकते हो, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। एंड आफ्टर दैट वी हैव टेम्परेंस। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही प्योर सोल हो। ठीक है, टेम्परेंस समवेयर बता रहा है कि आप एक बहुत ही साफ दिल के पर्सन हो जो पेशेंट है। ठीक है, मतलब धैर्य की भावना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, सबके साथ अच्छा करना, और अगर कोई सिचुएशन ख़राब भी हो गई है तो उस सिचुएशन में बहुत ही पेशेंस के साथ उसको संभाल लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। ओके, अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं जैसे आपने किसी सिचुएशन में, कोई सिचुएशन ख़राब हो गई है तो उस सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। ओके, एज अ मीडिएटर आप बहुत अच्छा काम करते हो, किसी दो पर्सन में अगर लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो उसको आप सुलझाने में बहुत ही अच्छे से काम करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ये पर्सन सोचता है आपके लिए। लेट्स सी मोर आपके लिए हमें और क्या पता चलता है। We have power, number 8. We have hope. यहाँ पर आपके लिए 1, 2, 3 एंड 4 चार मेजर अर्काना कार्ड आए हैं, जस्टिस, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड द स्टार।
आप में से कुछ लोग हो सकता है हीलर हो, लाइक डॉक्टर हो सकते हो या किसी और तरह की हीलर हो सकते हो, एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट, या फिर आप मेडिकल में हो किसी तरह से, एंड ये पर्सन आपके कलीग हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि ये पर्सन भी मेडिकल या जस्टिस के फील्ड में हो, समथिंग लाइक दैट. सो ये पर्सन आपको काफ़ी पावरफुल देखता है, और ये पर्सन जो है ना काफ़ी होपफुल है. इसको बहुत सारी आशाएं हैं आपके साथ कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनका साथ दोगे, इनको किसी प्रॉब्लम में हेल्प करोगे, इनको गाइड करोगे, काउंसिल करोगे, या फिर ये पर्सन जब भी लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, और ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं कि आप इनसे बात करके इनकी काउंसलिंग करो या इनकी बात को सुनो, तो काफ़ी अच्छा फील होता है इस पर्सन को. तो जिस भी पर्सन के बारे में आपने पूछा है, वो पर्सन आपको काफ़ी ट्रस्टवर्दी मानता है, आप पे विश्वास करता है. मनी मैटर्स को लेके, पैसों की लेन देन को लेके, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट मानता है कि आप किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हो. एज वेल एज़ वी हैव द कार्ड ऑफ द टेम्परेंस, तो टेम्परेंस मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको प्योर देखता है, और ख़ास करके जब दो लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या किसी मुसीबत के बीच में कोई फंसा है, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेजेस मुझे दिखाए गए हैं आप लोगों को. लेट्स सी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स और लेटर्स. सो आई हैव लेटर एन. एन से नाम हो सकता है, एंड लेटर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का नाम या आपका नाम. नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट, बर्थडे मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, बर्थ मंथ हो सकता है. नंबर 4, नंबर 15 बर्थ डेट हो सकता है, अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट. लेटर पी कैन बी इम्पॉर्टेंट. आफ्टर दैट वी हैव लेटर एल, नंबर 3 एंड एफ कैन बी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1. ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है. मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले. हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के बारे में आपने पूछा है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसे हैं. Four of coins. Okay, the devil. Two of wands. Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius, and after that we have Taurus, Virgo, Capricorn. ये signs important हो सकते हैं इस person के, या फिर आपके हो सकते हैं. Fire sign, earth sign, and Capricorn. That is also an earth sign. तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं. तो ये पर्सन जो है आपसे इस टाइम पे हो सकता है नाराज़ है, रूठा हुआ है या गुस्सा है. ठीक है, बट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपने बहुत सारी बातों को हाइड किया है, आप सच नहीं बोलते हो, आपको जो बताना भी चाहिए वो आप बताते नहीं हो. इस वजह से हो सकता है इस पर्सन के अंदर आपके प्रति काफ़ी सारी नाराज़गी है. बट विद द कार्ड ऑफ द डेविल, ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है. ओके, आपकी क्वालिटीज से अट्रैक्टेड है, बट यहाँ पर एक नाराज़गी भी दिख रही है कि ये पर्सन जानना चाहता है कि आपके मन में क्या है. इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं ना कहीं बातों को छुपाते हो, और जहाँ सच बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप झूठ बोल जाते हो. ठीक है, तो ये पर्सन आपसे सच जानना चाहता है, एंड करेंटली इसके मन में कुछ नाराज़गी दिखाई जा रही है. और ये पर्सन हो सकता है आपने इसको कुछ बोला है तो उस चीज़ से ये हर्ट है. आप कार्ड ऑफ 2 of Wands, तो इस पर्सन को लगता है कि आप जो सामने से दिखते हो या फिर आपने जो भी इस पर्सन को कहा है वो सच नहीं है, और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने हाइड की है. ओके, अगर आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हो, देन इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, और इस पर्सन के प्रति आप लॉयल नहीं हो, या फिर आप इनसे सच नहीं बोलते हो, आप इनसे हाइड करते हो अपनी ट्रू फीलिंग्स को. सो करेंटली ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को इससे छुपाया है, एंड ये पर्सन उस चीज़ को डेफिनेटली आपसे जानना चाहता है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर फॉर यू, ऑप्शन नंबर 2. अभी देखते हैं और क्या पता चल रहा है हमें. द
दिस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है ऑप्शन नंबर टू के लिए. प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी. वी हैव थ्री ऑफ कप्स. रिजॉइस इन सेलिब्रेशन. सो दीज आर टू कार्ड्स. फिर से शफल करते हैं. आप जिनके बारे में पूछो, दिस पर्सन कैन बी योर फ्रेंड और फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी समवन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो. एंड वी हैव दिस कार्ड द लवर्स. सो ये पर्सन आपके वाइफ या हस्बैंड या फिर आपके लवर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, समथिंग लाइक दैट. ओके यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड आया. ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है. ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं. एंड बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिख रहा है. अपने बराबर समझना, आपको रिस्पेक्ट करना और आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है. बट समवेयर इस पर्सन को लग रहा है कि आप पे भरोसा इसलिए ये नहीं कर पा रहे बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए, अगर आप इनके साथ मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, देन इस पर्सन को लग रहा है कि करेंटली आपके लाइफ में कुछ और भी ऑप्शंस है, कोई और पर्सन है और इसलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंशियस है. बहुत सारी चीज़ों को इसको लग रहा है कि आपने हाइड की है. ओके एंड यहाँ पर अगर हम इसकी ट्रू फीलिंग्स की बात करें तो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है. यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है. तो ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को देखता है, फ्यूचर देखता है, बहुत ही ट्रस्ट करता है और आपके साथ जितनी मेमोरीज बनाई है इस पर्सन ने, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इसको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है. तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है, इसकी फीलिंग्स एंड थॉट्स. लेट्स सी मोर और हमें क्या पता चलता है. लेट्स सी. यहाँ पे लेटर यू है. सो यू से हो सकता है आपका नाम, इस पर्सन का नाम. नंबर 28 कैन बी इम्पॉर्टेंट. इस पर्सन का बर्थ डेट आपका टॉरस कैन बी इम्पॉर्टेंट. आप टॉरस, ये टॉरस और फिर एम से किसी का नाम हो सकता है. सैजिटेरियस लेटर जी एंड वी हैव टी. टी से नाम आई एंड एफ. लेटर ए कैन बी इम्पॉर्टेंट. ओके तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वो चीज़ें नज़र आ रही हैं. कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन करेंटली कहीं ट्रैवल कर रहा है या आपसे दूर है. सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है. मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि इसे टॉपिक को रिक्वेस्ट करना है. कमेंट सेक्शन में उसे लिख दें, मैं कोशिश करूँगी इस पे रीडिंग बनाने की. और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है. और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस पर्सन को सोच के आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, वो पर्सन आपके बारे में कैसे थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं उनके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. देखते हैं क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें. वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बहुत शुक्रिया. पेज ऑफ वैंड्स, Eight of Wands. Fire sign can be important for you. Aries, Leo and Sagittarius. And यहाँ पे Seven of Coins है. This person, इनके बारे में आपने पूछा है, वो Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं. यहाँ पे Moon है. Moon का card, The Empress Judgment. ये ऐसे कोई person हो सकते हैं जो आपसे age में बड़े हैं या फिर आप age में बड़े हो सकते हो. Age difference जो है वो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिखाया जा रहे हैं strongly. ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, वो पर्सन आपको काफ़ी प्रोग्रेसिव देखता है नेचर में, ठीक है. और देखता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे. ओके, इसका कारण ये हो सकता है कि आप चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हो, वेट करते हो अपने रिजल्ट्स के लिए एंड लगन आप में काफ़ी है. ओके, विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वैंड्स, ये आपको एक पर्सन दिखता है जो काफ़ी इनोसेंट है. मे बी हो सकता है आप एज में छोटे हो, और अगर नहीं भी हो इवन देन ये पर्सन आपको काफ़ी इनोसेंट दिखता है, बच्चे के जैसा दिखता है कि आपके अंदर बहुत ही इनोसेंस है, मासूमियत है, आपके अंदर चालाकी नहीं है, ठीक है. आप छल नहीं करते हो किसी के साथ. एज वेल एज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी दिखता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी मेहनत देख के, आपके टैलेंट्स देख के, आपके स्किल्स देख के इस पर्सन को लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करोगे, बहुत ऊंचाइयों को छुओगे. वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है. हो सकता है आपने अपने ड्रीम्स शेयर किए इस पर्सन से,
अपने सपने, अपने एम्बिशंस, आपके जो भी गोल्स है इस पर्सन को बताया है, तो ये पर्सन है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके सपने इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, ठीक है, लाइक डेफिनेटली सपने बड़े हो सकते हैं, बट इसको लगता है कि आपके अंदर वो आइडियाज कैसे आए हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको एक पॉजिटिव पर्सन की तरह देखता है, जिसके अंदर काफ़ी काबिलियत है, जो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, और आपके साथ इसको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बिकॉज हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे से बात करते हो, आप किसी भी मोमेंट को काफ़ी लाइट बनाते हो, खुशियाँ ऐड करते हो, रंग ऐड करते हो सकता है आप काफ़ी मजा किया हो, नेचर में आपको मजाक करना पसंद है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो लेट्स सी मोर, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है और क्या पता चलता है। बैलेंस ट्रैप्ड इन फियर एंड स्पिरिचुअल यूनियन। सो समवेयर हो सकता है कि आपको ये पर्सन बहुत टाइम से जानता है, बचपन से जानता है, या बहुत टाइम से जानता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, फिर भी सारी बातें इस पर्सन को बताई है, ठीक है, जैसे आपकी अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, कितने काम किए, किस तरह की मुश्किलों से आप बाहर निकले हो, कितनी चीज़ों का सामना आपने किया है अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि आपने सभी कुछ इस पर्सन को बताया है। ओके, तो ये पर्सन जानता है आपकी लाइफ की हिस्ट्री को, आपके स्ट्रगल्स को, आपके पेन को, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, आपकी जो भी मजबूतियाँ हैं, जो भी कमजोरी है, उस चीज़ को ये जानता है। एंड समवेयर ये पर्सन आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। ओके, तो इस पर्सन को लगता है लाइक आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, मुसीबतों में अपने आप को संभालना आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने विद द कार्ड ऑफ ट्रैप्ड इन फियर आई कैन सी बहुत सारी मुसीबतें देखी है, हो सकता है किसी ऐसे फैमिली में आपका जन्म हुआ है जहाँ पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, ओके, आपने काफ़ी मुसीबतों से सामना किया है, वो सोसाइटी से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लोगों से, या आपकी हेल्थ इशूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को लगता है दैट बहुत सारी मुसीबतों को झेल के भी आप अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखते हो, ठीक है, और हिम्मत नहीं खोते हो। विद द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन ये पर्सन जानता है दैट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही पोटेंशियल है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी है, मे बी हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, एंड समवेयर इस पर्सन को दिखता है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, इन द सेंस कि आपके अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है उस सभी चीज़ों का आपके अंदर एक परफेक्ट बैलेंस है, ठीक है, यानी कि आपको पता है किसके सामने कितना केयरिंग, कितना इमोशनल होना है, और किसके सामने आपको स्ट्रांग बन के रहना है, तो वो चीज़ें आपको पता है। सो दिस इज़ द फीलिंग्स एंड थाट्स ऑफ दिस पर्सन फॉर यू। लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं क्या पता चलता है। 19 नंबर एंड यहाँ पे 28, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नंबर 8 भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखाया जा रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ, यहाँ पावर एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया। यस, यहाँ पे डेथ का कार्ड मुझे बता रहा है जैसे आपके लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस रहे, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है, ठीक है, हो सकता है आपने बहुत कोशिश करके कुछ क्रिएट किया था, वो ख़त्म हो गया, तो आपके पेन्स एंड स्ट्रगल को ये पर्सन जानता है, और यहाँ पे पावर एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया। ये पर्सन आपको एक पावरफुल पर्सन की तरह देखता है जो सभी मुसीबतों से ऊपर उठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके हो सकते हैं या फिर इस पर्सन के हो सकते हैं। लेटर जी, जी से आपका नाम, इस पर्सन का नाम। 9 नंबर, नंबर 3 मंथ ऑफ मार्च, नंबर मंथ ऑफ सितंबर, फिर से यहाँ पे 18 नंबर है, आई थिंक दिस इज जेड, तो जेड से किसी का नाम हो सकता है। आई एच, ओके, 11 नंबर, डी एल एंड एम, एक्वेरियस कैन बी इम्पॉर्टेंट। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं ज़रूर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।